हेलो दोस्तों, आइए आज हम एक महत्वपूर्ण बात के बारे में सीखते हैं। जैसा कि हमें कई बार व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज आते हैं जिसमें किसी बढ़िया ऑफर के बारे में बताया गया होता है और कोई लिंक क्लिक करने के लिए कहा जाता है जहां पर हमारे पर्सनल डिटेल और एड्रेस मांगे जाते हैं, लेकिन अधिकतर यह लिंक और ऑफर फेक ही होते हैं। बस वह हमारी इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल चोरी करने का एक सस्ता और आसान माध्यम है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो आइए सीखते हैं इसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले लिंक को ध्यान से पढ़ें। लिंक किसी साइट के नाम से ही स्टार्ट होता है। क्या यह साइट आपको विश्वसनीय लग रही है? जैसे इंडिया की कुछ ई कॉमर्स साइट्स हैं, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। लिंक में इन साइट्स का नाम आना ही काफ़ी नहीं, तो अगर आपको कुछ ऐसे लिंक दिखाई दें जैसा कि आप देख रहे हैं, यह निश्चित ही फेक हैं, क्योंकि इन साइट का विश्वसनीय लिंक अक्सर कुछ ऐसे होता है flipkart.com, amazon.in। इसमें यह मायने ही नहीं रखता कि पूरा लिंक क्या है, सिर्फ यह देखें कि वह लिंक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। इसके बाद कुछ भी लिखा हो तो यह लिंक निश्चित ही असली है और आप इसको बिना किसी डर के यूज कर सकते हैं। अगर लिंक किसी कंपनी के विश्वसनीय वेब एड्रेस से शुरू नहीं हो रहा है तो इसको खोलें और ब्राउज़र का एड्रेस बार चेक करें कि कौन सा लिंक खुल रहा है। क्या यह लिंक किसी बड़ी कंपनी के सही वेब एड्रेस से ही शुरू हो रहा है या नहीं, जैसा कि हमने पहले ही सीख लिया है। लिंक खुलने के बाद और इसका एड्रेस देखने के बाद अब साइट पर ध्यान दें कि इस साइट पर क्या दिखाया गया है। किसी भी अच्छी कंपनी के ऑफर पेज पर प्रोडक्ट की फ़ोटो, प्राइस, डिटेल इत्यादि बताई जाएंगी, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए बोला जा रहा है या फिर हमें किसी मैसेज को व्हाट्सएप पर 5-10 फ्रेंड्स या ग्रुप में शेयर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो समझ लें कि यह लिंक सुनिश्चित ही फेक है और ऑफर भी फेक है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी कोई ऑफर दे रही है तो उसका इतना बजट तो होता ही है कि वह इसकी ऐड अखबार या टीवी में करे, या कई बार इसकी खबर भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें ऐसी ऑफर के बारे में सिर्फ व्हाट्सएप पर पता चले तो बहुत चांसेस हैं कि यह फेक है। तो आज हमने फेक ऑफर पता लगाने के कई तरीके सीखे, जैसे कि लिंक को ध्यान से पढ़ना कि यह लिंक किसी विश्वसनीय साइट का है या नहीं, लिंक की विश्वसनीयता को ब्राउज़र के एड्रेस बार में चेक करना, ऑफर पेज पर प्रोडक्ट की डिटेल देखना, ध्यान रखना कि लिंक को ज़बरदस्ती शेयर करने के लिए तो नहीं बोला जा रहा, और ऑफर का स्रोत देखना, क्या यह स्रोत केवल व्हाट्सएप तो नहीं। इन 4-5 तरीकों से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई ऑफर असली है या नकली, और हम आसानी से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने से बचा सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।